देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड, मैं हूं दीपाली राणा। मैं हूं मिहिर भट्ट। और अच्छी बात यह है कि कल के संकेतों के बाद आज भी कम से कम जो संकेत हैं वो कहीं भी ये इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि मार्केट को बहुत बड़ा स्लिपेज यहाँ से देखेगा। और कल हमने जो क्लोजिंग देखी थी 8900 के ऊपर, जो कि सितंबर 2016 के बाद की सबसे मजबूत क्लोजिंग थी, ये इंडिकेट तो यही कर रहा है कि मार्केट अटेम्प्ट करेगा जो 9000 का लेवल है उसे भी चेस करने की। एक बार देख लेते हैं, SGX निफ्टी इस समय करीब 13-14 पॉइंट्स ऊपर है, 8924 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस मार्केट का जो सबसे बड़ा टेस्ट होगा वो अब होगा 8960-8970 के रेंज में जाके, क्योंकि यही वो लेवल है जहाँ से पिछली बार निफ्टी मेजरली करेक्ट हुआ था। और वहाँ से जब करेक्ट हुआ था तो इनफैक्ट वो फिसल गया था 8000 के भी नीचे। हालांकि ये अब 2 साल पुरानी बात है, लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या मार्केट इसे सरपास करके ऊपर निकल पाता है या नहीं। लेकिन आज की शुरुआत से पहले क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से पॉजिटिव ही हैं और एसजेएक्स निफ्टी भी 13 पॉइंट्स की बढ़त लेकर दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में पूरे ही ऑयल एंड गैस स्पेस पर नजर रखनी होगी, स्पेशली ONGC, HPCL, BPCL, BEL एक लाइमलाइट में रहेगा जिसका OFS आज ओपन हो रहा है। साथ ही आज के सेशन में ऑटो स्टॉक्स में भी कुछ एक्शन दिख सकता है, स्पेशली टाटा मोटर्स जहां पर दो खबरें हैं, रेंज रोवर सेगमेंट में एक नई SUV कंपनी ने उतारी है और फोक्सवैगन के साथ पार्टनरशिप कर सकती है जिसको लेकर जो बातें हैं वो फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुकी हैं। ITC एक और स्टॉक जहां पर खबर है प्राइस हाई की, तो ये स्टॉक एक्टिव हो सकता है। टायर स्टॉक्स पर भी ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि रबर प्राइसेस हायर लेवल से थोड़ा सा नीचे आए हैं, तो हो सकता है सेंटिमेंट्स आज के सेशन में इन सभी शेयर्स को लेकर पॉजिटिव दिखे। फार्मा एक और सेगमेंट जहां पर ध्यान देना होगा, और अरबिंदो फार्मा कल चला लेकिन आज डॉक्टर रेड्डीज को लेकर खबर है। और इस बीच इंडिकेटिव एक्शन में 8887 के लेवल पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, सेंसेक्स में 26 पॉइंट्स की बढ़त। अंबुजा सीमेंट अर्निंग्स के बाद कल गिरा था, अभी भी इंडिकेटिव एक्शन में जो शुरुआती टिक दिखा रहा है वो वीकनिंग साइड पर ही है, 0.5% नीचे है। और अरबिंदो फार्मा कल की बढ़त को कंटिन्यू करते हुए अभी भी 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक कल का स्टार परफॉर्मर, अभी बिल्कुल फ्लैट है इंडिकेटिव एक्शन में, लेकिन आज भी जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो पॉजिटिव साइड पर ही बैठ कर रहे हैं और लॉन्ग जाने की सलाह दे रहे हैं। रुपए की ओपनिंग देखनी होगी, कल की छुट्टी के बाद आज रुपया ओपन हुआ है और 66.92 के मुकाबले रुपया 66.95 पर ओपन हुआ है, यानी नेगेटिव, मामूली नेगेटिव ओपनिंग इसे कह सकते हैं जहां पर 3 पैसे की वीकनेस देखी जा रही है। लेकिन अब चलते हैं डिम्पी के पास और स्टॉक्स फॉर 50 के आज के टॉप 10 ट्रेड्स जान लेते हैं। बताइए डिम्पी। शुक्रिया दीपाली। पहला शेयर होगा CMI का, आप इस पर बाय करके चले, 185 रुपये तक का टारगेट है। इस वजह से क्योंकि कंपनी की बोर्ड की बैठक होने वाली है आज और CMI एनर्जी के साथ ये हो सकता है इनका विलय संभव हो जाए, इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है, तो इसलिए 185 का टारगेट होगा। रेमंड्स यहाँ पे कुछ सुगबुगाट है क्योंकि बड़ी खबर आ सकती है, कल भी हमने देखा काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस शेयर के अंदर आते हुए देखा और 32 गुना ज़्यादा वॉल्यूम था, आज भी चल सकता है। आज करीब 600 रुपये तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया जिसके नंबर्स आए कल बाजार बंद होने के बाद, नंबर्स प्रमा फिर से ठीक लग रहे हैं, आज मार्केट का रिएक्शन पॉजिटिव मिलेगा। एफेड एक्सपायरी का फ्लेवर भी इसके साथ जुड़ता है, इसका 450 रुपये का टारगेट रख के आप खरीदारी करें। अबीटा में भी हमने सुधार ही आते हुए देखा है। HOV सर्विसेज यहाँ पर भी आप नजर रखें, सब्सिडरी में निवेश को लेकर एक फैसला हो सकता है, आज बोर्ड की इनकी एक बैठक होने वाली है, करीब 178 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। अपोलो टायर्स ऊपरी स्तरों से टायर्स की जो रबड़ के जो दाम है वो टूटे हैं, 350 से सीधा 300 के नीचे आए हैं और फायदा हो सकता है कुछ टायर कंपनीज वापस दाम बढ़ा दे अपने टायर के, तो अपोलो टायर पर नजर रखें, 188 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। टाटा लेक्सी एक दूसरा ऐसा शेयर होगा जो कि एक्सपायरी से पहले ठीक पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, सभी MA मूविंग एवरेज के ऊपर है और इसका मार्च वायदा में करीब 180% का OI है, इंडिकेशन दे रहा है कि अच्छे आंकड़ों के साथ ये मार्च सीरीज के अंदर एंटर कर रहा है, 1530 का टारगेट है। M&F फाइनेंस ये भी डेरिवेटिव एक्सपायरी का फ्लेवर वाला शेयर है और यहाँ पर भी निचले स्तरों से अच्छा कंसोलिडेशन और आज शॉर्ट कवरिंग के बदौलत ये शेयर भी चल सकता है, 309 रुपये तक का टारगेट रखें, यहाँ पे भी खरीदारी करें। आठवां शेयर लिस्ट में है अपोलो हॉस्पिटल्स, कल FIPB की जो मंजूरी आई उसमें अपोलो हॉस्पिटल की भी मंजूरी थी 750 करोड़ रुपये की, तो इसका फायदा आज मिलेगा, 1300 रुपये तक का टारगेट रखे, खरीदारी की जा सकती है। गोदरेज के दोनों शेयर कंज्यूमर और इंडिया दोनों ही अच्छे चल रहे हैं इंडस्ट्रीज, और गोदरेज कंज्यूमर्स में 1740 का आप खरीदारी करके चलें, ये ऑल टाइम हाई पे भी शेयर कामकाज कर रहा है, अच्छा मोमेंटम इस शेयर के अंदर बना हुआ है, एक्सपर्ट्स की राय बने रहे इसमें। प्रिज्म सीमेंट पर भी आप नजर रख सकते हैं, कल कुछ चुनिंदा बड़े शेयर चले थे, आज हो सकता है मिड कैप सीमेंट कंपनीज की बारी हो, प्रिज्म चल सकता है 99 के टारगेट के लिए, वॉल्यूम में पुल बैक है, शॉर्ट टर्म जो गिरावट थी वो थम गई है शेयर में। शुक्रिया डिम्पी आपका। तो ये 10 स्टॉक्स हैं स्टॉक्स फास्ट 50 के जो आपको बताए गए हैं, लेकिन राकेश 2 स्टॉक्स पर आपकी राय, जेट एवेज और जस्ट डायल, दोनों पर क्या करें आज?
दीपाली, अगर जेट एयरवेज की बात करें तो नीचे से एक अच्छा रिवर्सल स्टॉक में आते हुए देखा, और जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न है, शॉर्टिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और किसी ने शॉर्ट कर रखा है तो काट लेना चाहिए। मौजूदा स्तर 410 के अराउंड के हैं, किसी ने ले रखा है तो 417 418 के लक्ष्य के लिए होल्ड करना चाहिए, और एक बार 420 के लेवल डिसाइसिवली टूटते हैं तब एक बड़ी तेजी इसके अंदर मुझे लगता है देखने को मिल सकती है। और सेम स्ट्रक्चर ही दिवाली जस्ट डायल का है, नीचे से एक अच्छा रिवर्सल बना हुआ है और स्टॉक एक नए ब्रेकआउट की तैयारी पर है। कल की क्लोजिंग 506-507 के अराउंड की है, एक बार 508 के ऊपर डिसाइसिवली निकलता है तब ऊपर में 522-523 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और दोनों ही स्टॉक्स में बिल्कुल भी शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए, इनफैक्ट बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपना के चलना चाहिए। बिल्कुल। चलिए इस बीच धर्मेश कांत भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। धर्मेश, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, जिस तरह का मोमेंटम है, ट्रैजेक्टरी जिस तरह की है, इंटरनेशनल क्यूज भी ठीक ठाक है, सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को, कैन वी एक्सपेक्ट कि 8950 से 9000 के बीच का जो दायरा है उसे सरपास करने की कोशिश निफ्टी करेगा? या गुड मॉर्निंग। देखिए, एक्सपायरी मतलब एक या दो दिन में ये सरपास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये कहना तो मुश्किल है, बट ये तो डेफिनेटली है कि मार्केट विल मेक अ न्यू हाई वेरी सून। मुझे लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले ही न्यू हाई बन जाना चाहिए। जो Q3 का अर्निंग्स था वो काफ़ी इनकरेजिंग था, डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट काफ़ी कम देखने को मिला, और निफ्टी में 10% का Y-on-Y अर्निंग्स ग्रोथ था, विच वॉज बिट लेस देन वट वी वी एक्सपेक्टिंग, बट फिर भी 10% का ग्रोथ काफ़ी होता है, और काफ़ी मतलब 8-10 क्वार्टर के बाद ये ग्रोथ आपको निफ्टी में देखने को मिल रही थी। जो प्राइम ट्रिगर्स थे, दैट वॉज लॉस टू प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मेटल कंपनीज के अच्छे नंबर्स, कैपिटल गुड्स के अच्छे नंबर, इंफ्रा के अच्छे नंबर। सो ये जो सेक्टर्स हैं ये कोर इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और हम लोग ऐसा लगता है कि आने वाले 2 साल में अराउंड 22-23% का CAGR अर्निंग्स ग्रोथ जो इतने दिन से हम लोग सोच रहे थे आना चाहिए, आ नहीं रहा है, अब एक कंडीसिव इन्वायरमेंट है जब ये प्ले आउट हो जाएगा, बिकॉज बजट का जो पुश है ये सरकार का, 7th पे कमीशन का पुश है, मॉनसून अच्छे रहे थे, GST प्ले आउट होने वाला है, और डीमोनेटाइजेशन का भी मुझे लगता है कि बेनिफिशियल इम्पैक्ट आएगा कॉर्पोरेट सेक्टर पे इवेंचुअली। सो ऑल दिस बेनिफिट्स विल प्ले आउट, एंड आप सरप्राइज मत हो कि अगर यहाँ से 20-30% इस साल में ही निफ्टी आगे चल जाए। जी धर्मेश, एक्सिस बैंक पर आपका व्यू क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मर्जर को लेकर बस बना हुआ है, और दोनों ही मैनेजमेंट से डिनाई भी किया है, लेकिन इन लेवल से और कितना अपसाइड आपको दिख रहा है एक्सिस बैंक में? देखिए, एक्सिस बैंक को अगर फंडामेंटल टेक भी लें, हालांकि नतीजे काफ़ी निराशाजनक थे Q3 के, और ये जो रूमर है इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेट इट बी आर रूमर असाइड, प्योर फंडामेंटल्स की बात करें तो मुझे लगता है पूरा का पूरा बैंकिंग जो स्पेस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, और अब जो NPA के कंसर्न्स थे वो अब आपको रिसीड होते हुए दिखेंगे, और ये जो साल रहेगा यहाँ पर हम लोग इस बात पर ज़्यादा हाईलाइट देंगे कि रिकवरी कितनी हुई। सो जिस बैंक में जितनी ज़्यादा रिकवरी रहेगी वहाँ NPA रिवर्सल ज़्यादा रहेंगे, और वैल्यूशंस काफ़ी चीप लगने लगेगा, वहाँ बैंक ट्रैक्शन लगेगा। सो अराउंड 25-30% अपसाइड तो आराम से दिख रहा है मुझे एक्सिस बैंक में करंट लेवल्स पर, वैल्यूशन के हिसाब से अगर बात करें, अभी भी जो उसका लॉन्ग टर्म एवरेज है वैल्यूशन का 10 ईयर एवरेज, उससे आप 30% डिस्काउंट पर एक्सिस बैंक ट्रेड हो रहा है, तो डैट वैल्यूशन गैप इज़ ऑलवेज देयर। और कल जिस तरीके से डिप्टी गवर्नर बता रहे थे कि एक लोग संस्था बनाएंगे जहाँ पर सारे NPA जो टॉप 50 बैंक्स का ट्रांसफ़र करके और फिर AMC बना के उसको करेंगे, तो वो अभी इन द पाइपलाइन है, बट दिस ईयर एंड तक वो भी होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव सकारात्मक न्यूज़ है इंटायर बैंकिंग स्पेस के लिए। सो फाइनेंशियल शुड बी द बाइंग प्ले, आप एक्सिस बैंक भी बाई कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर स्पेस में इंडसइंड बैंक, येस बैंक एंड HDFC बैंक। बिल्कुल सिद्धार्थ, जैसे अभी धर्मेश भी बता रहे थे कि इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले ही एक नया हाई बन सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है ये नया हाई जो बनेगा, इज़ इट गोइंग टू बी अ फॉर्मेलिटी, या फिर मार्केट इससे भी ऊपर एक सब्सटेंशियल लेवल क्रॉस करके हाई बनाने की कोशिश करेगा? बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट कि इस समय निफ्टी जहाँ पर खड़ा है ये ऑलरेडी 1100 पॉइंट्स की रैली दे चुका है। जी बिल्कुल मिहिर, 1100 पॉइंट की रैली दे चुका है, कोई भी एक डिसअपॉइंटमेंट आता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन भी हो सकता है। नए लेवल की जो बात है या ऑल टाइम हाई की बात है वो एक जस्ट अ फॉर्मेलिटी है। हम मानते हैं कि Q4 रिजल्ट्स बहुत बड़े ट्रिगर हो सकते हैं मार्केट के लिए, अगर Q4 क्योंकि Q3 के नतीजे बहुत ख़राब एक्सपेक्टेड थे वो बेहतर आए हैं, अगर Q4 भी बेहतर आते हैं उम्मीद से, तो हम मानते हैं कि मार्केट एक नया हाई ज़रूर बना सकता है आने वाले टाइम में।
जी, कल के सेशन के कुछ और मूवर्स को देखें तो सुमित, ग्रैन्यूल्स इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर, ये भी काफी अच्छा बस कर रहे थे, 4.5% का गेन दिखा था। नया ट्रेड को इनिशिएट करेंगे आप इनमें से किसी स्टॉक में, या फिर होल्ड करनी चाहिए क्या पोजीशंस अभी? आई थिंक दीपाली, ग्रैन्यूल्स के अंदर बाय करना चाहिए। ग्रैन्यूल्स के अंदर पिछले 7-8 दिन का कंसोलिडेशन के बाद कल के दिन में एक अच्छा अपमूव देखने को मिला है। आई थिंक ये स्टॉक ऊपर में इमीडिएटली 135 और 135 का लेवल ब्रेक करता है तो 145 तक के लेवल्स हमको दिखा सकता है। ग्रैन्यूल्स 130-131 के आसपास बाय बन रहा है, 125 के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा और 135 का लेवल ब्रेक होते ही हमको 145 तक के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। यानी ओवरऑल ये स्टॉक 145 तक ऊपर में जा सकता है, बाय करके चलना चाहिए और एग्जिस्टिंग पोजीशंस को एक बार होल्ड किया जा सकता है।